नमस्कार, ई दिना में आपका स्वागत है। दक्षिण की एक राज्य में बात करेंगे जो कि कर्नाटका है। हम कर्नाटका से बोल रहे हैं, सुनील आप भी कर्नाटका से हैं। और कर्नाटका में अभी पिछले साल यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए जहाँ पे बीजेपी हार गई, बुरी तरह हारी। और आप इस चुनाव में पूरे कर्नाटका में घूमे, चुनाव को आपने बहुत करीब से देखा, चुनाव में जितने भी इनिशिएटिव किए गए, सिविल सोसाइटी का इंटरवेंशन हुआ, ई दिना का भी एक सर्वे हुआ जिसमें 1,50,000 लोगों के बीच में सर्वे किया गया, तो आप ज़रा उस सर्वे पर रोशनी डालते हुए अपना कुछ सीटों का अनुमान बताइए। इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक में लास्ट ईयर में असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस वक्त ई दिना सर्वे किया था, एग्जैक्टली नंबर आए थे, वही नंबर आए थे, वो क्रेडिबिलिटी ई दिना के साथ है। इस बार भी इन लोगों ने दो बार सर्वे किया है, प्री पोल सर्वे किया है, एक एक बार कम से कम 50,000 से ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट किया है। उसके बाद शॉर्ट सर्वे भी किए हैं, क्योंकि सब कुछ इंसिडेंट होने के बाद, कुछ मर्डर होने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर भी किया है। टोटल 1,55,000 से ज़्यादा सैंपल कलेक्शन हुआ है। 1999 के बाद कर्नाटक में पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन तक बीजेपी पार्लियामेंट में आराम आसानी से जीत जाता था। साउथ इंडिया का पूरा कर्नाटक ही बीजेपी का एंट्रेंस था, बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे सर्वे में वही वो दिख रहा है और लोगों के बीच में भी वो दिख रहा है। इन्फ्लेशंस, जॉब लेसनेस, वो सभी लोगों को बहुत बाधित हो रहा है। इसीलिए हमें लगता है हमारा सर्वे का हम डाटा के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस मिनिमम 13-17 सीट जीत जाएगा इस बार। और लास्ट टाइम बीजेपी ने 25 सीट्स जीती थी और उसका साथ ही एक सीट जीती थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इस बार वो नहीं हो जाएगा। 13-15 सीट्स मिनिमम कांग्रेस जीत जाएगा, बाकी सीट और जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन जीत सकते हैं। तेलंगाना से ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ अकुनूरी मुरली हैं, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इस इलेक्शन में जागो तेलंगाना में काम कर रहे थे। असेसमेंट इज बेसिकली लाइक 1 out of 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन तेलंगाना, 1 गोज़ टू द हैदराबाद, गोज़ टू एमआईएम, इज ए इस्लामिक पार्टी, and maybe 1 or 2 goes to the BRS, the previous ruling party, and maybe BJP may bag maybe 4 seats, and baki ka maybe around 10 seats may go to Congress. This is our observation. Probably if everything the counting goes smooth and transparent. This is from Hyderabad. Thank you. केरला से श्रीधर रामकृष्णन, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और केरला के और तमिलनाडु के सीटों का आकलन देंगे और ग्राउंड रिपोर्ट से हमें बताएंगे कि वहां इलेक्शन कैसा रहा। As far as my state Kerala is concerned, the decision of the people were made right from beginning. I can in some sense be talking both about Kerala and Tamil Nadu because those are the two states I know very well, and I think these two states would perhaps return all its members to the India Alliance. I do not expect the NDA to get even one seat in these two states. The mood in these two states have not changed right from beginning. It has always been anti-BJP, no to BJP, and very clearly for the coalition partners. In Kerala especially, we see that the main contenders were both part of the India Alliance, and hence whoever wins, we are going to have a strength there in the parliament. In these two states, I don't think the governments there, the state governments have allowed any such untoward incidents as far as EVMs, tamperings, etc. are concerned. I don't think it will happen in these two states because these two states fortunately are not ruled by the BJP and their coalition. As far as the most important thing is that we always believe that the South would be the one making the statement. Obviously, the southern states have made the statement. They are not going to give the NDA a great space anymore. But then this time, I think it's the northern states that are going to give the biggest drumming to the BJP. I have a feeling that in Bihar, in Uttar Pradesh, in Punjab, in Haryana, the India coalition would make great inroads, unexpected inroads, inroads that the BJP would never have expected. And hence, I see a shift that's happening. That's one of the reasons why I strongly feel that the India Alliance is making it to the power. So, I believe that the coalition, the India coalition, will cross the 272 mark to form the government.
तो आपने तो साउथ में भाजपा के एंट्री द्वार पे ही आपने क्लोज ताला लगा दिया है। हमने नहीं लगाया, जनता ने लगाया, खुद अपने आप ने लगाया और जनता उसको मोहर लगा रही है। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।